कल कहां तक कथा सुनी थी आप लोगों ने, याद करो। इसीलिए पहले जाके बैठना चाहिए और अंत तक बैठे रहना चाहिए। कोई बीमारी लग जाए और डॉक्टर साहब दवा दें और डॉक्टर साहब 5 दिन का कोर्स दें कि 5 दिन ये दवाई खानी है और हम 1-1.5-2 दिन में ही खत्म कर दें कि लो जी हो गया काम, कुछ देर के लिए शांति मिलेगी, पर वो बीमारी दोबारा भी हो सकती है। और तब डॉक्टर साहब पूछेंगे तुमने कोर्स पूरा किया था, तो तुम कहोगे कि नहीं साहब कोर्स तो नहीं कर पाए, फायदा हो गया था हमने छोड़ दिया। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, गलती है तुम्हारी। वैसे ही भागवत सप्ताह एक कोर्स है और गुरु ही डॉक्टर हैं, हम ही रोगी हैं, भव रोग में हम पड़े हुए हैं और इस भव रोग को अगर समाप्त करना है तो गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ जो सप्ताह का कोर्स है, सुबह दोपहर शाम जितना भी समय इन्होंने हमें बताया है वो पूरा समय लगाकर हमें भागवत कथा का ये कोर्स पूरा करना चाहिए, जिससे हम इस भव रोग से मुक्त हो जाएं, हमारा कल्याण हो जाए, ठाकुर जी हमारा बेड़ा पार कर। श्रोता की सबसे बड़ी पहचान हनुमान जी महाराज क्या करते, भगवान श्री राम के सबसे बड़े कथा सुनने के रसिया अगर कोई है, प्रभु चरित्र सुनवे को सबसे बड़े रसिया है भगवान की कथा सुनने के, कौन, हनुमान जी। कैसे, सबसे पहले आते हैं और सबके बाद में, और कलयुग का श्रोता कैसा, सबसे पीछे आता है और सबसे पहले भागता है, ये कलयुग का श्रोता। अरे हनुमान को पूजने वालों कम से कम हनुमान जी से ये आचरण तो सीख लो। एक बार कथा में बैठ जाओ तो फिर प्रयास करो कि हमको उठना नहीं है। 3-4 घंटे नहीं बैठ सकते पालती मार के। हमारे ऋषि मुनि एक अंगूठे पे हजारों वर्ष तप करते थे, हम 3-4 घंटे सिर्फ बैठ भी नहीं सकते। बैठना चाहिए। से महापुराण में एक कथा आती है, चंचुला का पति है वो पिशाच बन गया था, से पुराण की कथा सुन के उस पिशाच का कल्याण हुआ, भागवत में प्रेत का कल्याण हुआ। इसका मतलब है आपने पुराणों का स्वाध्याय करना बंद कर दिया, इसलिए आपको इनका असर महसूस नहीं होता, अनुभव नहीं होता। अगर आप इनका स्वाध्याय करें, लगातार श्रवण करते रहें, तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, आपकी सारी मनोकामनाएं आपके पुराण और वेद और इनके मंत्र पूरी कर देंगे।